नमस्ते, जयस रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। यह चटनी आप दही भल्ला, पानी पूरी और सभी चाट आइटम के साथ में आप इसे खा सकते हो। तो चलो आज हम इसे बनाने के लिए लगने वाले सामग्री और इसके बनाने के विधि के बारे में हम जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे इमली ली है। इमली को मैंने गरम पानी में आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। साथ में मैंने यहाँ पे खजूर लिया है, उसे भी मैंने आधा घंटा पहले गरम पानी में भिगो के रखा था। और मैंने भिगोने के पहले इसके जो सीड थे उसे निकाल लिया था और अच्छे से साफ कर लिया था। साथ में मैंने जीरा, नमक, गुड़, तीखा, बेसन और काला नमक लिया है। अब हम भिगोई हुई इमली और खजूर को दोनों को एक साथ मिक्सर के जार में डाल के इसका एकदम बारीक मिश्रण तैयार करेंगे। अब हमने इस तरह से इमली और खजूर को मिक्सर में से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे छाननी से छान लेंगे। ये छाननी लेंगे नारियल पीसने वाली। अब हम हमारा मिश्रण इस छाननी में इस तरह से डालेंगे। डालने के बाद हम चम्मच की सहायता से इस तरह से मिश्रण को घुमाते रहेंगे। इमली के मिश्रण को छान लिया है। अभी ये जो हमारे लम्स बचे हैं इसमें भी थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट है। अब हम मिक्सर के जार में थोड़ा पानी डाल के ये जो पानी है अब इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से फिर से हम इसे छान लेंगे। अभी हम इस मिश्रण में बेसन डालेंगे। मैं यहाँ पे एक चम्मच बेसन डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। बेसन डालने से हमारे चटनी की थिकनेस बढ़ जाएंगी। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। साथ में हम इसमें गुड़ भी ऐड करेंगे। एक चम्मच मैं ये गुड़ डाला है। मैंने यहाँ पे खजूर लिया था तो खजूर का भी यहाँ पे स्वीटनेस है। साथ में मैं यहाँ पे आधा चम्मच काला नमक डालूंगी। काला नमक से हमारे चटनी को अच्छा स्वाद आता है। अब हम चटनी को फ्राई कर लेंगे। अभी हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने एक चम्मच तेल डाला। अब मैं तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें आधा चम्मच जीरा डालूंगी। साथ में मैं इसमें आधा चम्मच तीखा पाउडर और हमारा जो इमली का मिश्रण है वो डाल दूंगी। आधे चम्मच से थोड़ा कम नमक डालूंगी। पहले से मैंने यहाँ पे काला नमक डाला है। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया था, आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो। और पानी इस तरह से ऐड करना चाहिए कि ठंडी होने के बाद चटनी का थिकनेस बढ़ जाता है, तो आप उस हिसाब से पानी ऐड करो। अभी हमारी चटनी पक के रेडी है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अभी हमारा सारा गुड़ वगैरह मिक्स हो चुका है। आप ये चटनी बड़ा पाव, ब्रेड पकौड़ा, भजिया, इन स्नैक्स के साथ भी खा सकते हो। तो बहुत ही यम्मी है और काफी इजी रेसिपी है ये। तो आप इसे ट्राई करें और मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्ते।